जो कि जमुई से सांसद हैं वो भी निराश नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के एनडीए में इस वक्त भानुमति के कुंबे वाली सी जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि सब अपनी अपनी जो खिचड़ी को पकाने में लगे हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए आगामी वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि कई दिनों से जीतन राम मांझी इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिल जाए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा बिहार के अनेक शहरों में यहाँ पर पोस्टर लगे नजर आए, उसमें ये लिखा साफ नजर आया कि बिहार का अगला सीएम होगा जीतन राम मांझी की संतान, यानी साफ तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका टारगेट है। और यहाँ पर देखा जाए तो जीतन राम मांझी कोई बड़ा खेल करने में सक्षम नहीं दिखाई दिए, क्योंकि 128 जो है वोट मिले जबकि जरूरत थी 122 मतों की, लेकिन जीतन राम मांझी को साथ रखना इसलिए मजबूरी हो गया कि कहीं जीतन राम मांझी दूसरे खेमे में चले जाए। उधर से जेडीयू को अपने खेमे पर यहाँ पर विश्वास नहीं था, उनको ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसे विधायक जो है टूटकर आरजेडी के खेमे में जा सकते हैं, जहां से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, और नीतीश कुमार के लिए ये जो फैसला है ये भारी पड़ सकता है। ऐसे में मजबूरन वश उनको जीतन राम मांझी को शामिल करना पड़ा, लेकिन जीतन राम मांझी अब जो बगावती सुर अपना रहे हैं, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अंदर खाने संगठनात्मक रूप से इस चीज का जो है लुत्फ उठा रही है, क्योंकि यहाँ पर सम्राट चौधरी ने ये कहा था कि यदि नीतीश कुमार 2025 में हमारे साथ चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, और शायद हो सकता है कि यही डील इन दोनों पार्टियों के बीच हुई हो।